योगी सरकार में मंत्रिमंडल से बाहर रहने वाली बीजेपी में कोई जिम्मेदारी ना मिलने के बाद अपर्णा यादव लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी से अलग होने को लेकर अपर्णा कोई फैसला लेंगी। जिस तरह से अपर्णा को भाजपा ने महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है सपा के खिलाफ, साफ तौर पर आसार नजर आ रहे थे कि अपर्णा यादव कोई बड़ा फैसला यहां पर अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर ले सकती हैं। और इस कड़ी में अब अपर्णा का बड़ा बयान सामने आ गया है। जी हां, अपर्णा यादव ने कहा, बार बार मुझसे पूछा जाता है कि बीजेपी को मैंने क्यों चुना। मैं जवाब देना चाहती हूं कि मेरे शरीर में जब तक प्राण है, मेरे शरीर में जब तक खून रहेगा, ये अपर्णा यादव का प्रण है कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी, क्योंकि ये पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और इस विजन को सबका साथ चाहिए। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश को एक सन्यासी मुख्यमंत्री मिला है। विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उस वक्त मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो कुछ लोगों का कहना था कि सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी कर ली। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अब उन लोगों पर मुख्यमंत्री जी लठ बजवाने का काम करेंगे। आपको बता दें, अपर्णा यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्यार, अपना सम्मान और अपनी निष्ठा दिखा दी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।